एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे कि क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स की डेट आ गई है तो हम लोगों को किस तरीके से रेडी होना है एग्जाम के लिए, जिससे कि जो सीएसवीटीयू के एग्जाम्स हैं उस टाइम पे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए अभी तो जो डेट्स आई हैं वो फर्स्ट ईयर की डेट्स आई हैं, बीफार्म फर्स्ट ईयर, एमफार्म फर्स्ट ईयर, लेकिन आगे भी डेट्स बाकी एग्जाम्स की भी आ जाएंगी, बाकी क्लासेस की भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैं एक चेकलिस्ट बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें पहले से अरेंज करके रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो समय ऐसा है कि लॉकडाउन हो रहा है, बहुत सारे सामान हमको नहीं अवेलेबल हो रहा है, इसलिए प्री प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप A4 साइज के प्लेन पेपर का एक पूरा बंडल परचेज कर लें और 40 पेजेस की अलग से कॉपीज बना लें। कॉपीज बना लें मतलब कि जैसे 40 पेजेस है उसमें मार्जिन बना के राइट हैंड साइड में नीचे 1, 2, 3 करके 40 पेजेस में नंबर लिखने हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें कहीं भी और कोई मार्किंग नहीं करनी है, कोई रोल नंबर नहीं लिखना है। तो 40 पेजेस आपको, सपोज अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो इस तरीके से 40-40 पेजेस की 5 जो है सेट्स वो रेडी कर लीजिए। ये तो हुई पहली चीज। दूसरा हमको क्या करना है कि जो फ्रंट पेज है वो सीएसवीटीयू ने एक सेपरेट दिया है, उस फ्रंट पेज को आपको प्रिंट निकलवाना है। तो कितने पेजेस प्रिंट निकलवाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं प्लस 2 या 3 कॉपीज एक्स्ट्रा, क्योंकि हो सकता है कि एंट्री करते समय आपसे कोई गलती हो जाए तो उस समय कटिंग या ओवरराइटिंग परमिटेड नहीं होती है, तो इसलिए आप कुछ पेजेस एक्स्ट्रा ही प्रिंट आउट निकाल के रख लें। और उसमें आप ऐसा करिए कि पहले से ही नाम और रोल नंबर है और साथ में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, इस तरीके से आप पहले से ही फिल करके रख लें, सिर्फ एक डेट छोड़ दें। हो सकता है कभी चेंज हो जाए डेट, तो डेट को आप लास्ट मोमेंट में फिल करिएगा, बाकी सब कुछ को आप फिल करके जो आपने 40 पेजेस की कॉपीज बनाई है उसके साथ ही रख लें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है, वो ये है कि जैसे ही आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिएगा, उसको प्रिंट निकालेंगे और उसको अपने हाथ में पकड़ के आपको एक फोटो क्लिक करनी है। फोटो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें कि आपका फेस भी विजिबल हो और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी विजिबल होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सेल्फी लेने के स्टाइल में अच्छे से फोटो नहीं लेते हैं, जिसमें कि कभी कभी एडमिट कार्ड में चीजें विजिबल नहीं होती या आपका फेस क्लियर नहीं होता है, तो आप उसको, भले उसको बोला जाता है सेल्फी पेज, लेकिन फिर भी आप उसको हाथ में पकड़े पेज को और किसी को सामने से बोले कि आपकी वो पिक्चर क्लिक करे। उसमें ये ध्यान रहे कि जब पिक्चर क्लिक हो जाए तो वो सीधा क्लियर होना चाहिए, वो इन्वर्टेड पिक नहीं आनी चाहिए, तो उसको आप रख लें। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पेज जो होता है वो सीएसवीटीयू वाला पेज रहता है, जिसमें रोल नंबर, जैसे कि आपका नाम, आपके जो रोल नंबर के डिटेल्स होंगे उसमें, फिर आपका सब्जेक्ट नेम होगा, सब्जेक्ट कोड होगा, डेट होगी, आपका सिग्नेचर होगा, आपका कोर्स होगा, जैसे बी फार्म है, डी फार्म है, MBA है, BE है, क्या है, वो रहेगा डिटेल्स। तो उसको आपको अच्छी तरीके से फिल करके फर्स्ट पेज वो रखना है, फिर सेल्फी पेज रखना है, फिर 40 पेजेस रखनी है। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप उसको सिस्टमैटिकली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आप सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसका अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका क्वेश्चन लिखें और उसके उसका आंसर लिखें। आंसर में भी ABC जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी डिटेल में लिखें। सिर्फ ABCD लिखना ठीक नहीं है, उसको आप सामने ऑप्शन को डिटेल में जरूर लिखें। जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए उसको अच्छे से अंडरलाइन कर ले, फिर सेक्शन बी सॉल्व करें, फिर सेक्शन सी सॉल्व करें। PCI पैटर्न में हमेशा याद रखना है कि हमको सेक्शंस को अलग अलग सॉल्व करने हैं और उस सेक्शन के क्वेश्चंस को उसी में सॉल्व करने हैं, उसको आप मिक्स ना करें कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सी में कर दिए, सी के बी में करें, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्क्स जो है वो अलग अलग होते हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को रेडी कर लें पहले से ही, लेकिन प्लेन कॉपी रहे, उसमें कोई भी, ध्यान रहे किसी भी टाइप से मार्किंग या कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कॉपी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी।
तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, पढ़ाई करें, नोट्स बना लें, इस उसमें ना रहे कि ऑनलाइन एग्जाम है तो सब हो जाएगा। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को निकाल लें अपने चैप्टर्स में से और अपनी एग्जाम की तैयारी करें। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। और साथ ही साथ मेरा आपसे ये कहना है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। सो स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी एट योर होम, यूज ऑल द सेफ्टी गाइडलाइंस एज गिवन बाय WHO एंड गवर्नमेंट। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल SRIPA न्यू फार्मा as well as do subscribe the channel SRIPA new farm. Thank you so much.